हेलो एवरीवन uh, इस लेक्चर प्रीवियस लेक्चर में मैंने फ्लैश डिस्टलेशन के थ्योरी पोर्शन को कवर किया था और उसके उसके नेक्स्ट लेक्चर में मैंने एक फ्लैश डिस्टिलेशन डिस्टलेशन के न्यूमेरिकल को सॉल्व किया था इस लेक्चर में मैं फिर से एक न्यूमरिकल को सॉल्व करूंगा मैं स्टेटमेंट न्यूमरिकल का स्टेटमेंट को रीड करता हूँ मिक्सचर कंटेनिंग सिक्सटी मोल परसेंट ए एंड रेस्ट बी इज फ्लैश वेपोराइज एट वन जीरो वन पॉइंट थ्री किलो पासकल अनटिल फोर्टी परसेंट ऑफ द ओरिजिनल मिक्सचर इज वेपोराइज इफ़ द रिलेटिव वॉलेटिलिटी ऑफ द मिक्सचर इज टू पॉइंट फाइव एंड इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन कॉन्स्टेंट डिटरमाइन द कम्पोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट ठीक है तो इसका हम लोग स्कीमेटिक को देखते हैं जैसे फीड जो है फीड ये दो कंपोनेंट का है बाइनरी कंपोनेंट है ए प्लस बी ठीक है वेर ए इज द मोर वोलाटाइल कंपोनेंट एंड बी इज द लेस वोलाटाइल कॉम्पोनेंट और द मोल फ्रैक्शन ऑफ द मोर वोलाटाइल कंपोनेंट ए इन द फीड इज गिवेन एज जीरो पॉइंट सिक्स ठीक है ये जीरो पॉइंट सिक्स दिया हुआ है और इसके बाद इसको क्या किया गया इसको फ्लैश वेपोराइज किया फ्लैश वेपोराइज का स्कीमेटिक यही रहता है कि इसको पहले हम लोग प्री हीट करते हैं प्री हीट करने के बाद सब इसको, इसको इसका प्रेशर को रिड्यूस करते हैं सडन रिडक्शन इन प्रेशर उसके चलते क्या होता है कि दो फेज का क्रिएट होता है एक वेपर फेज और दूसरा लिक्विड फेज लिक्विड फेज ठीक है वेपर फेज का फिर हम लोग वेपर को और लिक्विड को सेपरेट करते हैं तो वेपर का फ्लोरेट को डिनोट करेंगे भी और मोल फ्रैक्शन ऑफ द मोर वोलेटाइल कॉम्पोनेंट इन वेपर वाई और फ्लोरेट और मोलर फ्लोरेट ऑफ लिक्विड क्या होगा एल मोर मोल फ्रैक्शन ऑफ द मोर वोलेटाइल कॉम्पोनेंट इन द लिक्विड एक्स ठीक है और सिंस फ्लैश डिस्टिलेशन ये जो है लिक्विड इक्लिब्रियम में देअोर वाई एंड एक्स आर इन इक्लिब्रियम इक्म ठीक है और यहाँ पे क्या दिया है कि रिलेटिव वोलेटिलिटी ऑफ द मिक्सचर दिया हुआ है टू पॉइंट फाइव तो अगर वाई और एक्स इक्लिब्रियम में है और इफ़ अल्फा इज द रिलेटिव मैंने थ्योरी पोर्सन में इसको डिस्कस किया था तो वाई एन एक्स आर इन इक्लिब्रियम तो क्या होगा रिलेशन क्या होगा वाई इक्वल टू अल्फा एक्स डिवाइड बाई वन प्लस अल्फा माइनस वन इंटू एक्स ठीक है इसका थ्योरी के लिए आप लोग इस थ्योरी पोर्शन को देख लीजिएगा जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ठीक है और यहाँ पर क्या है टेम्परेचर ऑफ द फ्लैश वेपराइजेशन क्या है प्रेशर कितना दिया हुआ है यहाँ पे प्रेशर मिक्सर कंटेनिंग सिक्सटी मोल परसेंटेज एंड रेस्ट भी इस फ्लैश वेपराइज एट वन जीरो वन पॉइंट थ्री किलो पास कर यहाँ प्रेशर कितना है वन जीरो वन पॉइंट थ्री किलो पास कर और क्या है कि फोर्टी परसेंट ऑफ द ओरिजिनल मिक्सचर इज वेपराइज यानी फ्रैक्शन ऑफ़ इज़ दिया हुआ हम लोग का जीरो है फ्रैक्शन ऑफ़ जीरो पॉइंट फोर और रिलेटिविटी अल्फा कितना दिया हुआ है टू पॉइंट फाइव ठीक है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं अल्फा इक्वल वाई क्या है वाई आर एक्स में क्या लिख सकते हैं वाई इक्वल टू अल्फा एक्स अल्फा मेरा दिया हुआ है ये आ गया और हम लोग ने ये देखा था द दे फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन ऑफ द फिट दैट इज वेपोराइजल टू वी बाई एफ इसको लिखने का हम लोग ने लास्ट लेक्चर में भी इसको कैसे लिखते हैं ये मैंने बताया था आप लोग को भी बाईफ टू जेड एफ माइनस एक्स डिवाइड बाई वाई माइनस एक्स इसका डिराइवेशन मैंने आप लोग करवा दिया था थ्योरी पोर्शन में ठीक है तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है फ्रैक्शन ऑफ द फीट दैट इज वे प्राइस दिया है जीरो पॉइंट फोर जेड एफ क्या दिया हुआ है जीरो पॉइंट सिक्स जेड एफ दिया हुआ है मेरा जीरो पॉइंट सिक्स यहाँ जेड सब्सटीट्यूट कर दिए एक्स नहीं दिया हुआ है वाई और एक्स का रिलेशनशिप दिया हुआ है तो यहाँ से मैंने निकाल दिया वाई इक्वल टू टू पॉइंट फाइव एक्स डिवाइड वन प्लस वन पॉइंट फाइव एक्स यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे टू पॉइंट फाइव एक्स डिवाइड बाई वन प्लस वन पॉइंट फाइव एक्स माइनस माइनस एक्स ठीक है अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का एक्स का वैल्यू आ जाएगा अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने में ये क्या होगा क्रोडेटिफिकेशन जनरेट होगा तो इसको हम लोग जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं जीरो पॉइंट फोर इक्वल टू जीरो सिक्स माइनस एक्स इंटू वन प्लस वन पॉइंट फाइव इंटू एक्स बाई टू पॉइंट फाइव एक्स माइनस एक्स वन प्लस वन पॉइंट फाइव इंटू एक्स ठीक है अब यहाँ पे इसको फिर फर्दर एक्सपेंड करेंगे तो जीरो पॉइंट फोर इक्वल टू यहाँ पे एक्सपेंड करते हैं क्या होगा जीरो पॉइंट सिक्स माइनस एक्स वन प्लस वन पॉइंट फाइव एक्स बाई टू पॉइंट फाइव एक्स माइनस एक्स माइनस वन पॉइंट फाइव इंटू एक्स स्क्वायर फिर इसको हम लोग और एक्सपेंड करेंगे जीरो पॉइंट फोर इक्वल टू जीरो पॉइंट फोर इक्वल टू जीरो पॉइंट सिक्स इसको एक्सपैंड करते हैं प्लस जीरो पॉइंट नाइन एक्स माइनस एक्स माइनस वन पॉइंट फाइव एक्स स्क्वायर जीरो पॉइंट सिक्स ठीक है फिर इसके बाद वन पॉइंट फाइव एक्स माइनस वन पॉइंट फाइव एक्स स्क्वायर फिर फिर इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा इसको जीरो पॉइंट फोर से इंटू कर देंगे तो यहाँ पे हम लोग आ जाएगा जीरो पॉइंट सिक्स एक्स माइनस जीरो पॉइंट सिक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो पॉइंट सिक्स माइनस जीरो पॉइंट वन एक्स माइनस वन पॉइंट फाइव एक्स स्क्वायर ठीक है इसको हम लोग सॉल्व किए तो अब यहाँ से जो हम लोग कॉड्रेटिकेशन जनरेट हुआ वो आया फाइनल को जीरो पॉइंट नाइन एक्स स्क्वायर प्लस जीरो पॉइंट सेवन एक्स माइनस जीरो पॉइंट सिक्स इक्वल टू जीरो जीरोक्शन आए अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं एक्स इक्वल टू माइनस जीरो पॉइंट सेवन माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी वाला फॉर्मूला में प्लस माइनस जीरो पॉइंट सेवन माइनस फोर इंटू जीरो पॉइंट नाइन इंटू माइनस जीरो पॉइंट सिक्स बाई टू इंटू जीरो पॉइंट नाइन इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का एक्स आ जाएगा जीरो पॉइंट फाइव वन फाइव और फिर हम लोग यहाँ एक्स का वैल्यू वाई में सब्सटीट्यूट कर देंगे वाई इक्वल टू टू पॉइंट फाइव इंटू जीरो पॉइंट फाइव वन फाइव बाई वन प्लस वन पॉइंट फाइव इंटू जीरो पॉइंट फाइव वन फाइव यहाँ से हम लोग का वाई का वैल्यू आ जाएगा जीरो पॉइंट सेवन टू सिक्स ठीक है तो हम लोग का एक्स और वाई निकल गया यहाँ से द कम्पोज डिटर्माइन द कम्पोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट तो यहाँ से हम लोग का प्रोडक्ट का कम्पोजिशन निकल गया वाई एक्स इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव वन फाइव आ गया और वाई इक्वल टू जीरो पॉइंट सेवन टू सिक्स आ गया तो ये ये क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है इसमें बस हम लोग को फ्लैश वेपोराइजेशन में बस एक रोल स्लो वाला को याद रखना है हम लोग को और ये कैसे हम लोग को परसेंट ऑफ द फीट दैट इज वेपराइज वाला फार्मूला को हम लोग को रिमेम्बर रखना है कि ऐसे करके हम लोग को लिखना बाकी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता फ्लस्ट डिस्टिलेशन में तो, तो ठीक है ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी था ठीक है थैंक यू